हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी वर्नर थ्योरी। देखिए इस जो वर्नर थ्योरी है ये बीएससी सेकंड ईयर और क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आप लोगों को और आसान बनाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट उसका समझ में आ जाए। देखिए वर्नर ने सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की थी, बहुत सारे कंपाउंड बनाए, उसके बाद उसके मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बीच में उन्होंने स्टडी की और उसके बाद उन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया। इसी थ्योरी के लिए ही उनको नोबेल से सम्मानित किया गया था, उनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो अब यह बात आ गई कि इस थ्योरी में ऐसा क्या है। देखिए बहुत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई। पहली आई वर्नर थ्योरी, उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग थ्योरी। तो बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन हमको जो पढ़ना है सबसे ज्यादा फोकस करना है वो वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्नर थ्योरी पे। देखिए वर्नर ने दो चीजें बोली थी। पहले बोला था कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो दो टाइप की वैलेंसी रखता है। कितने टाइप की? दो टाइप की वैलेंसी रखता है। पहली वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और उससे दूसरी वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहां पे बात आएगी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बेसिकली आयनाइजेबल होती है। बेसिकली आयनाइजेबल मतलब कि वो आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाती है, जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे वो सेपरेट हो जाएगी। यानी कि सिंपल आयन, जैसे हम जानते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, अदरवाइज वो डबल साल्ट होता। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही तो एक डिफरेंस है कि डबल साल्ट को वाटर में डिजोल्व करने पर वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाती है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल आयन में डिसोसिएट होती है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती है। तो जो सिंपल आयन बनता है वही होता है प्राइमरी वैलेंसी। बात क्लियर हो गई? वाटर में डिजोल्व करेंगे जो कॉम्प्लेक्स आयन के अलग और कुछ मिलेगा, जो आयन मिलेगा वो हो गया उसका प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चार्ज लाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वही डिसाइड करता है, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डिफाइन करती है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री या लिगेंसी को डिफाइन करती है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उसको डिफाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं वर्नर थ्योरी में। देखिए वर्नर ने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इवनी सी एम आई हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। पहली वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी बोलते हैं इसको सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब चलिए बात करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं ये आयन, सबसे पहली बात आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और आयनाइजेबल होती है। बस दो ही बात याद रखिएगा कि आयनाइजेबल होती है और रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात कर ली, सेकेंडरी वैलेंसी ये कैसी होती है, जस्ट अपोजिट कर दे, नॉन आयनाइजेबल। और ये क्या करती है? ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, ज्योमेट्री। और क्या होती है? लिगेंसी को बताती है। लिगेंसी मींस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को।
लिगेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को ये डिफाइन करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा ज्योमेट्री डिसाइड करेगी तो होगा क्या, ये हाइब्रिडाइजेशन को बताएगी, तभी तो ज्योमेट्री बताएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है, ज्योमेट्री को डिसाइड करती है और ये बेसिकली बताती है कोऑर्डिनेशन, जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है वैसे ही ये लिगेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है और ये हाइब्रिडाइजेशन को रिस्पांसिबल करती है और जो ज्योमेट्री होती है उस कंपाउंड की उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहां पे बात होती है जो प्राइमरी कोई भी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे लिख रहे हैं जो थर्ड पॉइंट है एवरी सीएमआई सेटिस्फाइड बोथ वैलेंसी, क्या करता है दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, किससे सेटिस्फाई करता है ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड ओआर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाई होगी या निगेटिव लिगेंड से। दूसरा पॉइंट में है कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय निगेटिव लिगेंड ओआर न्यूट्रल लिगेंड, निगेटिव लिगेंड से होगी या तो न्यूट्रल लिगेंड से होगी, यही इसमें आता है। और इसमें एक पॉइंट और आता है अगर इसको लिखें तो जो कोई भी वैलेंसी होती है चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्राइमरी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय कर देना, डिनोटेड बाय डैश डैश, ठीक है ना, डैश लाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी ऐसे। तो ये पूरी बात हो गई वर्नर थ्योरी के बारे में, इसका जो नोट्स होगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इतनी बात हो गई प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का टर्म क्या है, इसको एक एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं और उस एग्जाम्पल को आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल देखें COCl3.6H3, पहले इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व करेंगे हमको कितने आयन मिलते हैं, सबसे पहली बात ये मिल जाएंगे +3। देखो जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वहीं पे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही हमने वाटर में डिजॉल्व किया देखा कि 6NH3 ये कॉम्प्लेक्स आयन और ये सिंपल आयन बनेगा, ये सिंपल आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन और ये सिंपल आयन, ये बन गया। देखिए यहां पे सिंपल आयन जो बनते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 हो गई, 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे बात और आती है कि यहां पे टोटल आयन कितने, टोटल आयन बहुत बार पूछा गया है, टोटल आयन है 4। देखिए 3 इधर 1 इधर, 3 एक 4 होंगे। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं कैसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग देखिए। यहां पे मैंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है पहले इसको रिप्रेजेंट कर लिया हम लोग। देखिए मैंने कहा था कि जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते क्या है, वो हमको बताती हैं स्ट्रेट लाइन से, हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो यहां पे लिख लें NH3
NH3। अब जो सेकेंडरी वैलेंस होती है उसको डॉटेड लाइन से हम लोग Cl एक यहां पे कहीं पे कर ली Cl। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आप इसके बारे में दो तीन वर्ड लिख लें, जैसे कि COCl3.NH6NH3 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमको चार आयन मिलते हैं, 3Cl नेगेटिव आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। अच्छा यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिख लें 3, ठीक है ना। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसमें 6 प्राइमरी वैलेंसी है और 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। देखिए 6 जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करता है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, COCl3.5NH3। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, अगर आप अपने से करें ट्राई करें तो आप कहेंगे कि 3 प्राइमरी वैलेंसी और 5 सेकेंडरी वैलेंसी है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। देखो जैसे अगर हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे COCl3.5NH3, तो इसमें होगा क्या कि 2Cl नेगेटिव आयन प्लस CONH3 का 5Cl हो गया प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब देखो कितने आयन, टोटल 3 आयन, 2 सिंपल आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन। इसको रिप्रेजेंट करें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप Cl को कहीं पे लगा दें, ऐसे नहीं कि मैं जहां पे लगा रहा हूं आप वहीं लगाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी को इस साइड लगा दें, हो गया ना। ये प्राइमरी वैलेंसी आपकी है और ये वाली सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है ना। यहां पर भी ये प्राइमरी वैलेंसी और ये वाली सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड नंबर COCl3.4NH3। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम लोग करने वाले क्या है। हम लोग क्या करेंगे यहां पे, जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे इसको, वाटर में डिजॉल्व करें देखें क्या होगा, Cl नेगेटिव प्लस CONH3 का 4Cl2, यहां पे क्या होगा प्लस 1 होगा। अब इसको हम लोग देखें तो इसको रिप्रेजेंट करें CO यहां पे Cl यहां पे NH3 हो गया ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।